बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज पाकिस्तान में सियासी, समाजी और माशी हालात हमने इतने ख़राब कर दिए हैं कि हमारी नौजवान नस्ल हमें आके ये कह रही है कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। कितने अफसोस की बात है कि वो मुल्क जो इतनी कुर्बानियों से, इतनी जद्दोजहद के बाद हासिल किया, जिसका हकीकतन 75 साल का सफ़र बहुत शानदार होना चाहिए था और आज हम किसी शानदार मंजिल पे खड़े नज़र आते, उसके मुकाबले में हमने अपने मुल्क का वो हाल कर लिया है कि यहाँ पे यहीं के पैदा होने वाले, यहीं पढ़ने लिखे, यहीं से पढ़े लिखे लोग आज अपने फ्यूचर के बारे में, कैरियर के बारे में फिक्रमंद हैं और सोचते हैं कि वो ये मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं। ये इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि ठीक है हमसे गलतियां हुई, ये मुल्क जो है वो हमने उस तरह संभाल के नहीं रखा जैसे रखना चाहिए था, हमने इस मुल्क के अंदर वो खूबियां पैदा नहीं की जो एक अच्छे मुल्क में, अच्छे माशरे में होनी चाहिए थी, लेकिन हर सूरत हम यहीं रहेंगे और यहीं रह के आपने तमाम हालात को दुरुस्त भी करना है। जो मायूसियाँ हैं वो मेरिट को इग्नोर करना, मेरिट पे जब आप लोगों को जॉब्स नहीं देते तो पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो लाजमन परेशान भी होता है और मुतनफर भी होता है। इसी तरह हसूल इंसाफ, इंसाफ का ना मिलना, इस दौर में इतने वक्त में पिछले जो 7-8 महीने गुजरे हैं जब से ये एक नाजायज हुकूमत काबज है इस मुल्क के ऊपर, इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल हो गया। रियासत इंतहाई जबर और तशद्दुद करने पर उतरी हुई, लोगों के हकूक गसब किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल आज़ारी भी है और लोगों में उम्मीद भी महूम होती जा रही है। जो दो केसेस इस वक्त आवाम की नज़र में हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, वो है आज़म सवाती का केस और अरशद शरीफ का केस और उसके साथ साथ इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला। ये हमारे माशरे और सोसाइटी के लिए टेस्ट केसेस हैं। अरशद शरीफ के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसलिए कि वो वाकया हुआ है कीनिया में और वहाँ की पुलिस खुद मुलव्वस है इस जुर्म में, सो वहाँ पे तावन हासिल करना शायद इतना आसान ना हो। लेकिन एक चीज़ हमने देख ली थी कि पहले दिन से ही कीनिया की पुलिस हमारे साथ झूठ बोल रही है, सो लैक ऑफ ट्रस्ट तो पहले दिन से ही मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक ख़तरा है, ये भी एक फिक्र है कि हमारी हुकूमत भी उतने खलूस नीयत से इस केस को परसू नहीं करेगी जितना कि करना चाहिए और जितनी उनकी जिम्मेदारी है, उनका फ़र्ज है। दूसरी तरफ यह है कि आज़म सवाती का केस है। आज़म सवाती साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन, जैसे कि उनको हदायत दी गई थी, वो उन्होंने जमा करवा दी है और एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है कि वो फेडरल लॉज नंबर 1 क्वेटा वहाँ ठहरे थे 2 रातें और जो वीडियो वगैरह बनी हुई है वो वहीं की बनी हुई है। अब वो उसमें हैरानी का इजहार करते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि मेरे पूरे ख़ानदान के अफराद के टेलीफोन नंबर इन लोगों के पास कैसे आए। उससे उनका इशारा गालिबन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ है, क्योंकि वैसे तो आपको ये नंबर हासिल करना इतना आसान नहीं होता। एक फैमिली के मेंबर जो कि मशहूर हो, जिसका जो पब्लिक लाइफ गुजार रहा है, उसका तो नंबर मिल जाता है, लेकिन बाकियों के टेलीफोन नंबर कैसे मिले
वो इस पे हैरानी का इजहार कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में और इस्तेदाल ये कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि इस मजबूरी में इनके खानदान को उनकी फैमिली को यहाँ से भागना पड़ा, जाना पड़ा। वो कहते हैं कि पहली रात मैंने उनको एबटाबाद भिजवा दिया इस्लामाबाद से, फिर वहाँ से उनको अपने बेटे के पास जो कि अमेरिका में है उधर भिजवा दिया। दुख की बात है कि अपने ही मुल्क में इंसान पुरसकून बैठा हो, ना कि उसकी ज़िंदगी इतनी तंग हो जाए, उसकी ऐसा हयात इतना तंग कर दिया जाए कि वह अपना मुल्क छोड़ के दयाल गैर में जाके अपने आप को महफूज समझे। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है। बावसूरत वो बताते हैं कि मैंने अपनी फैमिली को डिस्पैच कर दिया और अब वो बफसल ताला वहाँ अमरीका पहुँच चुके हैं। वो ये बता रहे हैं कि नवंबर 5 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 बजे शाम को लाहौर में, और उसके बाद वो फिर अटाबाद चले गए थे और वहाँ से जाके उन्होंने सारे अपने मिसेज को मिलके ये चीज़ें कंफर्म की और फिर उनको डिस्पैच कर दिया। अब जो एप्लीकेशन है उसमें वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये हकूक है मेरे। अब ये सिर्फ इंसानी हकूक का मसला नहीं है कि चीफ जस्टिस उसको दे रहे हैं इंसानी हकूक का जो उनका सेल है उसके हवाले कर रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक है करें, लेकिन ये एक ऐसी दस्त दराजी है, ऐसी दस्तंदाजी है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिल दहला के रखती हैं इस चीज़ में। लिहाजा कानून का टूटना और इंसानियत की इतनी बड़ी तस्लीम, इसको बड़ा प्रायरिटी पे हैंडल करना चाहिए था। इसके लिए इंसाफ का देना, तहकीक और इंसाफ मुहैया करना, ये रियासत की जिम्मेदारी भी है, हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और अदालत की जिम्मेदारी भी है। लिहाजा जितना जल्दी हो सके इसको इस मसले को हल करना चाहिए। दूसरी तरफ जो इमरान खान के ऊपर काफिलाना हमला हुआ, वो भी उसका सारा मसला भी तातल का शिकार है। पहली बात तो ये कि एक FIR बदनीयती की बुनियाद पे दर्ज की गई। अब IG साहब फरमा रहे हैं कि उस FIR के खिलाफ वजीराबाद थाने में अभी तक कोई एप्लीकेशन मौसूल नहीं हुई। यानी दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को उस FIR पे कोई एतराज़ है तो उधर शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, शिकायत वजीराबाद देनी चाहिए थी। जबकि PTI वाले ये कहते हैं कि हम टकरे मार मार के हार गए, हम अपनी एप्लीकेशन लेके थाने में खड़े रहे हैं, नाम हम बताते रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। आप इमेजिन करें कि किस कदर मुंह जोर है पुलिस। और फिर दीदा दलेरी ये कि IG साहब ने अपने तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। अब हुआ ये है कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लेटर लिख दिया है कि हमें ये IG साहब नहीं चाहिए, ये मुतनाज़ा हैं, इनका रवैया, ये एक तरफ तो सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे हैं, दूसरी तरफ उसके बाद ये FIR के मामले में रुकावटें खड़ी करते रहे हैं, और इन हालात में ये मुमकिन नहीं है कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकें या हकीकी तौर पे अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर सकें, चुनाची ये वापस रखें। लेकिन जाते जाते अभी ये गए नहीं, वहीं पे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को ये लिखा है कि आप एक GIT ऑर्डर करें। अब GIT में 3 नाम पुलिस के, वो यही जो IG साहब हैं इनकी तरफ से आए हैं। अब जब IG साहब जा ही रहे हैं और उन पे वैसे ही एतमाद नहीं, तो उनको नाम देने की क्या ज़रूरत है? वो पुलिस वो GIT के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, 7-3 नाम भी अपनी मर्जी के पकड़ा रहे हैं। ये ठीक है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अगर चाहे तो नाम बदल सकती है, लेकिन असूलन ये चाहिए था कि IG साहब कहते कि आप GIT बनाएं और जो लोग आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं, क्योंकि मेरे ऊपर तो आपको वैसे एतमाद नहीं है। लेकिन उन्होंने वो 3 नाम दिए। फिर इसमें इंटेलिजेंस के 2 या 3 नुमाइंदे मौजूद होंगे जो कि उनके अलावा लेने हैं। अब ये क्या GIT क्रेडिबल काम कर सकेगी? क्या इस GIT को आज के दौर में, जबकि एक FIR नहीं दर्ज कराई जा सकेगी,
क्या कोई ऐसी जीआईटी बन जाएगी जो हकायक तक आपको लेके जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेज पे इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि मॉडल टाउन का जो कत्ल हुआ था उसकी भी जीआईटी बनी थी, लेकिन उस जीआईटी ने तमाम लोगों को बड़ी जिम्मा करार दे दिया, उनको सबको फारिग कर दिया कि इनका कोई कसूर ही नहीं, जैसे 16 लोगों को ऊपर से कोई आके फरिश्ता मार गया था। अब भी अगर जीआईटी इस तरह होगी तो उसका रिजल्ट यही कुछ होगा। इंसाफ लेने के लिए, हासिल करने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त ये है कि अगर कल पीटीआई इकतदार में आए तो फिर अपनी सुपरविजन में ये तमाम मामलात को हल कराए। उस वक्त तक इंसाफ के हसूल का इरादा तर्क कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी को भी यहाँ इंसाफ मिल सकेगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।